मुताबिक न्यू वीडियो रेडी है, आने वाली है, तो प्लीज़ उसको जाके देखो, तब वीडियो देखो। ये देखो गोल गोल लाइक कर दो जाना गाइस, लाइक लाइक लाइक। एक ही सीख है भाई साहब, अगर ये जल गई तो ठीक है, नहीं फिर बाद से लाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई। और जल गई, और जल गई गाइस, बुझना जरा। तो जैसे केवल रोटी बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सब्जी चाहिए। सब्जी भाई साहब अभी बनाने जा रहे हैं अपन, गर्मा गर्म आलू की सब्जी। ये देखो अभी अपनी सब्जी रेडी होने वाली है, ये होती है रेडी। आप कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। नहाने के बाद सबसे ज़रूरी है अपने बालों को सबसे पहले सुखा लें, और सुखाने के बाद उसमें हेयर ऐड करें ताकि आपके बाल मुलायम रहें। ड्रेस कैसी है गाइस, कमेंट करके बता देना। अभी तो गाइस अपन ने नहा लिया है और मैंने ड्रेस पहन लिया है, कॉलेज जाना है तो खाना खा के चलते हैं कॉलेज। और लाइक कर रहे ना यार, बिल्कुल कॉलेज चले हम, स्कूल चले हम। स्कूल तो पहले जाते थे, 12वीं 13वीं 14वीं क्लास में। डेली की तरह भाई की वही धूप, क्या यार, भगवान जी यार कुछ धूप कम करो आप। मतलब गाइस कॉलेज चप्पल पहन के कौन जाता है, और ऐसी चप्पल, ये देखो एक तरफ से फटी हुई चप्पल, कौन जाता है यार चप्पल पहन के। गाइस ये क्या हो गया इसको, मैं जा रहा हूँ पिपलानी। अरे पिपलानी नहीं गाइस यार, लतना गिरी। तो क्या बताऊँ, बस लेट हो गया हूँ आज, थोड़ा ही लेट हो गया हूँ। बाकी आप बता देना क्वालिटी कैसी आ रही। मेरे पास एक्चुअली में आजकल डाटा नहीं रहता ना, इसलिए मैं क्वालिटी कंप्रेस कर देता हूँ, मतलब घटा देता हूँ, इसलिए आप क्वालिटी में थोड़ा फर्क दिखेगा। यहाँ पे चश्मे बेचते हैं, और देखो ये कुर्सी बेचते हैं, किसी को चाहिए हो ना तो रत्नागिरी बाईपास के पास में काफ़ी सारी लाइन लगती है, आ जाना यहाँ से ले जाना। और नमस्कार दोस्तों, रत्नागिरी बाईपास देख लो देख लो देख लो देख लो। भाई साहब रत्नागिरी पे बस का वेट करती हुई, लेकिन एक ज़रूरी बात, मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार, काफ़ी समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो समझो यार गाइस सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, फिर अपन भी वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, मोनेटाइज करते हैं। और बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, सपोर्ट आपका चाहिए, और बस देखता हूँ मैं कब तक आएगी। तो भाई साहब जस्ट मैं अभी आप देख लो पिपलानी पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, बस से नहीं आया, एक फ्रेंड मिल गया था मेरा कॉलेज का ही क्लास में, तो उनके पास बाइक थी, वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, मैंने भी सोचा चलो ठीक है। लेकिन आज मेरे बैग का वजन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बुक इशू करवा ली है, बुक ले ली है, तो वो आपको रूम पर जाने के बाद दिखाऊँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये देखो यार काफ़ी भारी बैग है,
10 केजी वजन होगा इसमें, तो चलता हूँ और आपको भी दिखाता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक कर देना। वगैरह तो नहीं हुई, बट प्रोग्राम हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी सी क्लिप डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। तो हुआ ये था कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, उसका उसमें हिंदी का क्या रोल है, मतलब हिंदी कैसे महत्वपूर्ण हो सकती, तो यही हुआ था। तो अच्छा लगा, मैडम ने काफ़ी रूम पे जाके, आपको बात बताऊंगा, मैंने एक स्टार्टअप करने का सोचा, एक्चुअली मैं सोचा क्या शुरुआत ही करनी है, तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हो सके जितना हो सके सपोर्ट करना। रूम पे जाके बताऊंगा क्या है क्या सोचा है। अब निकालते हैं बुक, रूम पे आ तो गया हूँ, काफ़ी सारी बुकें मिली हैं। ये देखो भाई साहब, पूरा बंडल का बंडल है ये देखो, कितनी सारी है, 1 2 3 4 5 12 बुक्स। तो भाई साहब ये देखो, ये इसमें फ़ोटो लगता है और अपना नाम लिखता है, और इसमें बुक का नंबर लिखो भाई साहब। ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बुक मिली है इन्होंने लिखी है, ये है अपनी कोर्स वाली बुक, भारतीय राजनीतिक चिंतन वाली, और ये भी कोर्स वाली है। कितनी देखना भाई साहब, कितने पेज हैं इसमें, पेज देखते हैं कितने हैं, लगभग होंगे इसमें 600 पेज। और एक ये है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो अभी बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, आप ऐसे मान सकते हैं कि थोड़ा इनोवेटिव आइडिया, जैसे कि कोई सा टॉपिक है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, किसी भी मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई सा भी टॉपिक है, मैथ छोड़ के कोई सा भी विषय ले लो, उसमें कोई सा भी टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही ले लो, अगर आपको समझना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और गूगल मीट पे आपको लाइव पढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं करूँगा, सो एंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।